एक बार की बात है, शांतिपुर गांव में रामू दूधिया रहता था। उसके पास दो गाय थी जिससे वो हर रोज दूध निकालता और हर सुबह गांव में घर घर जाकर दूध बेच कर आता। रामू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से उसके पास कोई और काम नहीं था, तो ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। रामू अपने घर पर गाय से दूध निकाल रहा है। बेटे पानी लेकर आना। सोनू पानी लेकर आता है और अपने पिताजी को दे देता है। सोनू अपने पिताजी को रोज दूध निकाल कर घर घर बेचते देखता है कि पिताजी रोज लोगों के घरों में जाकर दूध बेचते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। पिताजी आप रोज रोज दूध में इतना पानी क्यों मिलाते हैं? देख बेटा, हमारे पास दो ही गाय हैं और ये केवल 20 लीटर दूध ही देती हैं। इसलिए मैं इसमें पानी मिलाता हूँ ताकि हम इसे बेच सकें और अपना घर चलाने लायक पैसा कमा सकें। ये सब बोलकर रामू अपनी साइकिल में दूध की बाल्टी रखता है और दूध बेचने निकल पड़ता है। भाभी जी दूध ले लीजिए। भाभी जी दूध का बर्तन लेकर आती है। भैया आप दूध में पानी तो नहीं मिलाते हो? अरे भाभी जी कैसी बातें करती हैं? हम भला दूध में पानी क्यों मिलाएंगे? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल दूध में कुछ कमी सी लग रही है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी, रोज वाला ही दूध है। चलिए कोई बात नहीं, अब दूध दे दीजिए। इसी तरह रामू अन्य घरों में भी जाकर दूध देता है और अपने घर की ओर वापस आ जाता है। उसके घर पर उसका बेटा सोनू और उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पिताजी आप मेरे लिए क्या लाए? बेटा मैं तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ। जलेबी का नाम सुनकर सोनू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और रामू सोनू और रामू की पत्नी तीनों मिलकर जलेबी खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह रोज की तरह रामू दूध निकालता है और उसमें पानी मिलाता है, फिर साइकिल लेकर गांव में निकल पड़ता है। रामू रास्ते पर जा ही रहा होता है कि कोई व्यक्ति उसे आवाज लगाता है। अरे रामू भैया रुको। राम राम भैया। अरे राम राम। बताइए कैसे रोकना हुआ? अरे मैं तुमको रोज दूध ले जाते हुए देखता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कल से तुम हमारे यहाँ भी दूध दे जाओ, हम भी दूध लेना चाहते हैं। चलिए ठीक है भैया जी, तब तो मैं कल से आपके यहाँ भी दूध दे जाऊंगा। इसी प्रकार रामू को तीन व्यक्ति मिलते हैं और वो भी दूध के लिए बोलते हैं और रामू हाँ कर देता है। रामू हाँ तो बोल देता है, परंतु ये सोचता है कि इतना ज्यादा दूध लाएगा कहाँ से, क्योंकि उसकी दो ही गाय है जो 20 लीटर दूध देती। इसी चिंता में रामू अपने सारे काम निपटा कर घर चला जाता है। रामू घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके बचपन का मित्र जो शहर में नौकरी करता है वो आया हुआ है। अरे बसंत मेरे यार, कैसे आज अचानक आ गए? मैं कुछ दिनों के लिए गांव आया था, मैंने सोचा अपने पुराने यार से मिलता चलूं। यार तूने बहुत सही किया, काफी समय हो गया था साथ बैठे हुए। और बता कैसा चल रहा है तेरा आजकल काम धंधा? कोई धंधा नहीं है मेरा यार, मेहनत करके दो गाय ली है, बस इन्हीं से दूध निकालता हूँ और उसको बेचकर अपना पेट पालता हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, हम तो दिन रात फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं। रामू बहुत परेशान था, वो इन सब बातों को सुनकर बसंत को अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। यार मैं भी इन दिनों बहुत परेशान हूँ। क्यों इतना परेशान क्यों हो? यार मेरे पास बस दो ही गाय हैं जो 20 लीटर दूध ही देती हैं। मैं उनमें थोड़ा सा पानी मिला देता हूँ और गांव में बेचता हूँ। आज जब मैं दूध बेचने गया तब मुझे बहुत से नए ग्राहकों ने दूध लाने को बोला और मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता। हम भी पैसा कमाना चाहते हैं ना, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं, मगर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि दूध का इंतजाम कैसे होगा। बस इतनी सी बात है, देखो एक केमिकल आता है जिसको तुम पानी में मिलाओगे तो पानी भी दूध की तरह ही बन जाती है, और फिर तुम उस केमिकल वाले दूध में थोड़ा असली दूध मिला लेना और बेच देना। अरे हमारे शहर में सभी लोग ऐसा ही करते हैं। केमिकल का नाम सुनकर रामू घबरा जाता है और बसंत को मना कर देता है, परंतु बसंत उसे समझाता है कि ये केमिकल हर कोई इस्तेमाल करता है। बहुत समझाने के बाद रामू मान जाता है और बसंत उसके लिए शहर से केमिकल मंगाता है।
अगली सुबह रामू उठता है और देखता है कि केमिकल आ चुका है। वो पानी में केमिकल को मिलाता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में दूध बना लेता है। देखा बेटा, शहर में रहने का कमाल, अब हम बहुत ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। अच्छा, फिर तो आप मेरे लिए रोज ढेर सारी जलेबियां लाएंगे। हाँ बेटे, बहुत सारी जलेबियां लाएंगे। रामू दूध लेकर निकल पड़ता है और पूरे गांव में दूध बेचकर आ जाता है। रामू पूरे गांव में प्रसिद्ध हो चुका था। कुछ समय बाद गांव में रामू की गाय का दूध पीकर छोटे बच्चों की तबीयत खराब होने लगी थी। गांव के सरपंच के पास भी ये खबर पहुंचती है। एक दिन गांव के सभी आदमी जगत सिंह सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच साहब, गांव में रामू दूधिया की गायों का दूध पीकर गांव के सभी छोटे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। ये रामू दूधिया कौन है? हमारे गांव के छोटे कुएं के पास ही रहता है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो कि रामू दूधिया के दूध की वजह से ही बच्चों की तबीयत खराब हो रही है? सरपंच साहब, क्योंकि हमारे गांव में एक ही दूधिया है और वो रामू ही है। अच्छा, आप लोग चिंता मत करिए, हम पता लगाते हैं। रात्रि के समय सरपंच एक व्यक्ति को रामू के घर चोरी चुपके जासूसी करने के लिए भेजता है। जासूस रामू को दूध में केमिकल मिलाते हुए देख लेता है और सरपंच के पास वापस आ जाता है। सरपंच साहब, गांव वालों का कहना बिल्कुल सही था। क्या सच में रामू दूधिया केमिकल से दूध बना रहा है? जी सरपंच साहब। पंचों की मीटिंग बुलाओ। सभी पंच इकट्ठा होते हैं और सभी लोग फैसला लेते हैं कि गांव के लिए 5 गाय दूसरे गांव से लगानी चाहिए। जल्द ही 5 गाय आ जाती हैं। जाओ और गांव में घोषणा कर दो कि आज सरपंच जी ने सभी गांव वालों को दूध जलेबी की दावत में बुलाया है। जो आ गया सरपंच साहब। जासूस गांव में जाता है और घोषणा करता है। सुनिए सुनिए सुनिए, सरपंच जी ने आज पूरे गांव के लिए दूध जलेबी की दावत की व्यवस्था की है, तो सभी लोग शाम 5 बजे सरपंच जी के निवास पर पहुंच जाइएगा। 5 गायों से दूध निकाला जाता है और गांव वालों के लिए जलेबी की व्यवस्था करी जाती है। घोषणा रामू ने भी सुनी और वह भी शाम 5 बजे तैयार हो गया और सरपंच जी के निवास पर पहुँच गया। निवास पर दूध जलेबी की दावत चल रही है। तभी सरपंच जी बोलते हैं, सुनो गांव वालों, आज हम पंचों ने अपने गांव के लिए 5 गाय खरीदी है, जिससे पूरे गांव को दूध मिलेगा। ये बात सुनकर रामू घबरा जाता है, क्योंकि उससे उसका रोजगार छिनने वाला था। सरपंच साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे से मेरा रोजगार क्यों छीन रहे हैं? अच्छा जी, ये बात तुम बोल रहे हो। हम सभी को पता चल चुका है कि तुम दूध में केमिकल मिलाते हो। ये बात सुनकर रामू परेशान हो जाता है और सरपंच जी से माफी मांगता है। मुझसे गलती हो गई सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से मैं कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। ये बात तुम्हें केमिकल वाला दूध हमारे छोटे छोटे बच्चों को पिलाने से पहले सोचनी चाहिए थी। अंत में सरपंच फैसला लेते हैं और रामू और उसके परिवार को गाँव से निकाल देते हैं। इस प्रकार रामू की गलती पकड़ी जाती है और गाँव वाले खुश हो जाते हैं।